हेलो एंड वेलकम टू राइड इन गियर्स। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर एक्स ट्रैक, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन 2024 का मॉडल, E20 कंप्लेंट आपकी मोटरसाइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं नया वाला वर्जन आपके लॉन्च हुआ है एक्स ट्रैक सीरीज के साथ। यहाँ पे आप देखिए इसका डिज़ाइन, तो वही वाला आपको स्प्लेंडर का डिज़ाइन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप इसका वाइजर देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है, यहाँ पे आपको हीरो स्प्लेंडर का स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पे आपको हेलोजन की हेडलाइट मिल जाती है, हेलोजन के आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे लग जाती है। यहाँ पे अगर आप फ्रंट फेंडर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइबर का दिया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ आपको यहाँ पे मिलता है 80x100 सेक्शन का टायर, जो कि मिलता है आपको 18 इंचेस के अलॉयज के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है फ्रंट में, 130mm की ड्रम ब्रेक दे रखी है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो ड्रम ब्रेक्स आपकी दे रखी हैं 130mm की, वो आती है आपकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम CBS मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे ओवरऑल बाइक का डिज़ाइन देखेंगे तो आपको वही ऑथेंटिक हीरो स्प्लेंडर अपनी मिल जाती है सेम डिज़ाइन में। रियर प्रोफाइल अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 80x100 सेक्शन का टायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 इंचेस के आपको अलॉयज मिलते हैं यहाँ पे भी। एंड जो ब्रेक यहाँ पे मिलती है आपको 130mm की ड्रम ब्रेक्स आपको रियर में भी मिल जाती है। टायर का साइज़ आप यहाँ पे देखिए, एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आपको काफ़ी लंबा सा एग्जॉस्ट मिलता है हीरो स्प्लेंडर में। यहाँ पे आपको इसके ऊपर मेटल की प्लेट मिल जाती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 5-स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म सस्पेंशंस रियर में, जो कि आपकी राइड कंफर्ट को काफ़ी अच्छा बना देते हैं। पिलियन के फुटपैक्स आपको कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं। एंड्राइडर के फुटपैक आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मिलते हैं, थोड़े से फोल्ड होते हैं, ये फुली फोल्ड नहीं होते। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे रियर में तो रियर में आपको मिल जाती है हेलोजन की टेललाइट, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेलोजन के इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लग जाती है, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिलता है। एंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का रहने वाला रियर का फेंडर, जो कि आपकी मर्ज से अच्छी खासी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर देगा। अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आप टैंक देखिए, इसका टैंक पे आपको यहाँ पे मिलता है 3D में हीरो का लोगो। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ स्टिकर्स। एंड यहाँ पे टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। फ्यूल कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिलती है 9.8 लीटर की। एंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे E20 का स्टिकर आपको मिल जाता है। फ्यूल कैप का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे रहने वाला है। बाकी अगर आप साइड पैनल इसका देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3D में स्प्लेंडर प्लस का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्स टेक का स्टिकर, आपका एक्स टेक वाला वर्जन यहाँ पे है। सो आपका ये लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आ चुका है i3S, यहाँ पे आपको मिलती है टेक्नोलॉजी। रियर पैनल आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा इस वाली बाइक में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीट, तो सीट आपको यहाँ पे मिलती है सिंगल सीट एंड काफ़ी फ्लैट यहाँ पे मिलती है आपको, काफ़ी अच्छे कुशन के साथ मिलती है। यहाँ पे आप देखिए ग्रैब रेल आपको मेटल में मिलता है, पूरा का पूरा काफ़ी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दे रखा है ग्रैब रेल आपका। लगेज आराम से कैरी कर सकते हैं आप इस पर, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी के साथ ही आता है। एंड यहाँ पे आप देखिए जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको साइड गार्ड मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फुल चेन कवर मिलता है इस बाइक में, देख सकते हैं आप अच्छी खासी आपकी चेन की प्रोटेक्शन इस बाइक में मिल जाती है आपको। गियर लीवर आपको यहाँ पे लॉन्ग साइज़ का मिलता है। बाकी अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में लेग गार्ड मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी का दे रखा है। बाइक के वेट के अकॉर्डिंग ही आपकी बाइक की प्रोटेक्शन अच्छी खासी यहाँ पे कर देगा। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको नए वाले ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं एक्सटेक वाली सीरीज़ में। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका इंजन, तो जो इंजन आपको यहाँ पे मिलता है वो आपको मिलता है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक वाला 97.2 cc का, जो कि 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, 8.02 PS की पावर जनरेट करता है। 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आपकी बाइक आती है। काफ़ी अच्छी खासी माइलेज आपको यहाँ पे इस वाली मोटरसाइकिल में मिल जाएगी, क्योंकि स्प्लेंडर फेमस इसी चीज़ के लिए है। आपकी इकोनॉमी इस बाइक में काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, तो यहाँ पे सीट हाइट आपको जो मिलती है वो आपको मिलती है 785mm की। ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिलती है 165mm की। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दे रखी है। बाइक का ओवरऑल वेट है 112 किलो, तो यहाँ पे काफ़ी लाइट वेट बाइक आपकी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है ट्रैफिक में मैन्यूवर करने के लिए। आप इसको कहीं भी लेके जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको चलाने में। बाकी अगर हम बात करें इस बाइक के डिज़ाइन की, तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते, ग्राफिक्स आपको नहीं मिल जाते हैं। लेकिन अब जो इसमें डिफरेंस मिलता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, पहले तो इसका जो हैंडल बार है आपको यहाँ पे बार हैंडल मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश में आपको बार हैंडल इसका मिल जाता है। स्विच गियर से क्वालिटी आपको यहाँ पे काफ़ी डिसेंट मिल जाती है हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक की। देखिए यहाँ पे i3S का बटन दे रखा है स्टार्ट स्टॉप के लिए, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट का बटन। ये देखिए यहाँ पे आपको जो कीज़ मिलती है हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक की, कुछ इस तरीके की मिल जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आपकी स्पीड हो गई, आपका फ्यूल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। ट्रिप मीटर भी इसमें आपको दिया गया है, सब कुछ आपको डिजिटल में मिलता है। यहाँ पे एक्सटेक सीरीज़ का आपको यहाँ पे अब डिजिटल मीटर मिलने लग गया है। एंड यहाँ पे आप देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं। इस तरीके का रहने वाला है आपका मीटर कंसोल, यहाँ पे आपकी ऑरेंज बैकलाइट के साथ ही आता है।
ऑडोमीटर भी आपको यहाँ पर डिजिटल मिलता है, देख सकते हैं आप। तो ये रहेगा इसका इंटरफेस, कुछ इस तरीके का रहने वाला आपका डिजिटल मीटर। एंड यही आपका सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आपकी एक्सट्रैक सीरीज स्प्लेंडर में आपको मिल जाता है। अब बाइक आपको मिल जाती है 5 कलर ऑप्शन के साथ। ये वाला कलर जो आप देख रहे हैं ये है ब्लैक स्पार्कलिंग ब्लू कलर, इसको बंद कर देते हैं। इसके अलावा अब अगर आप यहाँ पे इस वाली बाइक को लेना चाहते हैं तो इस बाइक की जो प्राइस आपको पड़ने वाली है वो है 78,000 से लेके 83,000 एक्स शोरूम गुड़गांव हरियाणा में। अगर आपको इस बाइक में इंटरेस्ट है तो आप नियरेस्ट शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी शोरूम की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।